कल का जो हमारा एहतजाज है उसका मकसद, मेन मकसद ये है कि हम आवाम को लेके, आवाम के आवाज़ को लेके यहाँ हुकूमत को ये बावर कराना चाहेंगे कि रेवेन्यू एक्ट के तहत जो टैक्सेस का निफाज, गंदम कटौती वगैरह इनको मुस्तरद करेंगे इंशाल्लाह आवाम को लेके। तो कल का जो हमारा धरना है उसको कामयाब करने के लिए हम तमाम अपने मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के तमाम भाइयों से अपील करेंगे कि वो इस धरने को कामयाब करने में अपना अहम किरदार अदा करें। शुक्रिया। हमारे सारे कायदीन अवाम एक्शन कमेटी के तमाम काबिने के एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग यहाँ जमा हैं, वो इसलिए यहाँ जमा है कि हमने बाकायदगी दे कर रखा है कि किस तारीख को यहाँ पर बाकायदगी से धरना होगा और जगह जगह से लोग आएंगे, रैली आएंगे यहाँ पर, और गिलगित बल्तिस्तान के जो अवामी इशूज़ हैं उसके हल के लिए हमने यहाँ पर धरने का इनेकाद किया है। और साथ इंशाल्लाह जो मुज़ाकराती जो हमारा जो रास्ता है उसको भी हमने बंद नहीं किया है, वो मुज़ाकरात भी होंगे अपनी जगह पर और धरना अपनी जगह पर। कल के जो धरना है इसमें दयामर चिलास दारिल तांगिर के जो आवाम यहाँ रहते हैं उसको भरपूर शिरकत करने का दरख्वास्त है और अपने हक के लिए यहाँ आना लाजिमी है। और इंशाल्लाह दयामर के हर फर्द जहाँ भी है और गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ भी रिहायशी है वो कल के धरने में भरपूर शिरकत करेंगे। 2012 से अभी तक जो यहाँ पर हुकूक के बारे में, अमल के बारे में एशिया कमेटी ने जो किरदार अदा किया, आइंदा के लिए भी एशिया कमेटी किरदार अदा करेंगे। सबसे पहले यह है कि हमने गंदम को बढ़ाना का बात करते हैं लेकिन वो गंदम को कटा तो आते हैं। इस वक्त बहरान गंदम का बहुत बहरान पड़ा है, लिहाजा हम गवर्नमेंट को मुतालबा करते हैं कि ये गंदम का हमें गरीब आवाम के लिए गंदम मुहैया करें।